एक मेरी रिक्वेस्ट भी है राय भी है रिक्वेस्ट भी है राय भी है पीछे और कोनों में बैठने में मजा नहीं है आ, पीछे बैठो और कोनों में बैठो ना आ, लगता नहीं है हम कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ये प्रैक्टिकली अंदर इतना इसका वैल्यू का पता हो स्कूल के बच्चे नहीं हैं है? स्कूल के बच्चे बेचारे छोटे होते हैं इतने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो पढ़ करके अभी बाकी बाकी थो रहा है तो पढ़ाई ऐसी इतना समय परी है पास उत्थान में आ जाए उनको चित्त ना है ये तो जब से बाबा के बने भले साठ साल पहले बने या बीस साल पहले बने या बीस मास पहले बने या बीस दिन में भी पहले बने तो भी कहेंगे अभी ये थोड़े दिन है तो अच्छा स्टूडेंट को पास विधान में आने का बहुत ख्याल रहता है न सिर्फ पास हो जाऊं पर सब सब सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स ले, ले हैं। तो कैसे होंगे फुल इंटरेस्ट एंड अटेंशन इंटरेस्ट जहाँ होता है वह ऑटोमेटिक खेच होती है करने की समय उसमें देने के लिए इंटरेस्ट कहता है ये समय देना है मेरे को और सब बातों में काम चलाऊ जरूरी नहीं है ना जरूरी जो है वहां ध्यान है बाकी ऐसे नहीं कोई मिस होंगे हो जाएंगे अच्छा हो जाएंगे जो मुख्य बात करने से बाकी सब अच्छे हो जाएंगे बाबा के परिवार के संयोग से हो जाएंगे बाबा कहते थे बच्चे जो अच्छा बच्चा पढ़ता है ना तो बाप उसको साधारण काम करने नहीं देता कहते ये मैं कहोता हूं वो नहीं कहेंगे जाकर दूध लेके आओ सब्जी लेके आओ अच्छा ये काम तुम करो ये कभी नहीं बच्चे को ये काम कहेगा कहेंगे ये तो मैं भी कर सकता हूं मेरा बच्चे का टाइम पढ़ाई में ज्यादा हो माँ भी कहेंगे मैं खाना खाऊं ना खाऊं बच्चे को अच्छा खाना खिलाऊं ताकि अच्छी तरह से पढ़े तो बाबा मामा का ध्यान है बाबा का माता पिता के रूप में अच्छे तरह से बच्चे पढ़े ना तो हमारे लाइफ के ये लाइफ बाबा के बनने की लाइफ में कई बातें बाबा ने कहा बच्चे ये तुम नहीं कर सकते हो तुम वो करो ये नहीं अच्छा तो ये करो ऐसे से, ऐसे ऐसा स्टोरी इस अभी नहीं सुनाएगी वो घर ही हमको बार बार याद आती है बच्चे तुम ये करो जो हमारे मन चित्त भी नहीं होगा, बाबा ने ऐसे करवाया है पैसे नहीं और काम और भी अच्छे होते रहे आ, कोई बात भी न अच्छी रहे तो ये भी हमारे यज्ञ के शान नहीं है ये भी यज्ञ के मालिक है जिसे यज्ञ का खाते हैं तो यज्ञ सेवा हम कर्मुणा सेवा कभी नहीं कहा होगा कभी नहीं यज्ञ सेवा यज्ञ सेवा ही ब्राह्मण करते हैं ब्राह्मण इसलिए बाबा यज्ञ रचा यज्ञ रचा उनसे ब्राह्मण पैदा हुए ब्राह्मण उन्हें यज्ञ सेवा की है खित्री कर नहीं सकते हैं अपने आप चले जाते हैं युद्ध में होते हैं ना यहां न इधर के न उधर के वो बेचारे बिचारे हो जाते हैं पर ब्राह्मण ही यज्ञ सेवा करते हैं रुचि से करते हैं बड़े रुचि से करते हैं किस तरह से भी यज्ञ सेवा का महत्व है ना ये बड़ा सब्जेक्ट है यज्ञ सेवा का जो महत्व है शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से यज्ञ रचवाया रुद्रयज्ञ कहा जाता है तभी तो ज्ञान यज्ञ रचा रुद्रयज्ञ ज्ञान दिया पर ज्ञान कैसे देंगे उसके लिए स्थान चाहिए खाना चाहिए रहना चाहिए तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल भी है तो हॉस्टल भी है होम भी है होम भी हो हॉस्टल भी हो होमली फैमिली फीलिंग हो हॉस्टल में फिर फैमिली फीलिंग नहीं होती है सिर्फ पराये वाले अपरेंज होम भी है हॉस्पिटल भी है तो हॉस्टल भी है यूनिवर्सिटी भी है और आश्रम भी है आश्रम में कौन रहते है? वान परस्ती छोटे बड़े वान परस्ती ऐसे नहीं बुढ़े पान परस्ती होते हैं या छोटा बड़ा बाल बुढ़ा सब वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज बाबा के बोल जो मुझे याद नहीं थे बच्चे आखिर ये बाबा मिलना बंद कर देगा अभी तो पहले बहुतों से मिलता था बहुत चीज बात करता था आखिर बाबा बात करना बंद कर देगा क्यों संचो स्वादर बच्चों को बाप का परिचय देना बाप ने तो बच्चों को पढ़ाया तो हम कहे इतना बाबा ने हमको पालना पढ़ाई कितनी पालना और से कैसे पालना भी दी पढ़ाया भी उसका रिटर्न में हमारा चरित्र और चलन और चेहरा सेवा करे इतना ऊंचा चरित्र हमारा बनाया चलना है तो ऐसे रहना है तो ऐसे सब कुछ एकदम कोई बात की कमी ना रहे सब सिखाया तभी तो संपन्न बनना में संपन्न मेरे बच्चे रहे तो अटेंशन इतना है जो बाबा ने सिखाया है वो मेरे जीवन में हो और कुछ नहीं कह सकते हैं किसके लिए नहीं कह सकते हैं बाबा ही नहीं कह सकता बाबा समझा के कहता फिर नंबरवार बस हर मूली में आज भी देखना समझा के अच्छी अच्छी बात फिर कहते नंबरवार हम तो किसके लिए कह सकते ना ना पर अपने लिए जित तो बाबा डायरेक्ट मेरे को कहता है ये कर हर एक मेरे को बाबा ने कहा ये कर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया अर्जुन ने संजय कर, तो संजय ने चलो सार लिखत ने धृतराष्ट्र की आंख खोलने के लिए अर्जुन हा हा हाँ। प्रैक्टिकल करता रहा करता रहा जो कोई क्वेश्चन आए ना उसका आंसर मिले और प्रैक्टिकल करे हमने देखा अठारह अध्याय नंबर वार जो है ना आप अट्ठा बुद्धि में बातें रखेंगे नंबर वार नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तक आ जाएंगे कुछ न रहेगा सब बातों से नष्टों मोहा स्मृति स्वरूप शुरू कहां से हुआ कौरव पांडव क्या करते भाई कौरव क्या करते हैं पांडव क्या करते हैं कौरव की बुद्धि पैसे और पोजीशन में जरूर होगी पांडव बन के और पैसे पोजिशन बुद्धि में रही ना तो पांडव नहीं है प्रीत बुद्धि का अनुभव नहीं होगा हाँ बाबा बाबा करेगा प्रीत बुद्धि माया का नाम निशान न रहे निश्चय के बल से सदाई लगे ये कैसे कभी इसने हार नहीं खाई है ऐसे सबूत है बाबा के पास बच्चों का कोई तो हार खा के चले गए किसने कुछ ने हार जीत में थोड़ा टाइम दिया है खाते खाते आकर जीत गए अच्छा पर किसने कभी कुछ भी हो गया हार नहीं खाई अंदर ही अंदर विजय को साथी बनाया सफलता को साथी बनाया तो कभी हार कभी जीत ये भी खतरा है कि घंटी बज सकती है कभी अंदर अपने आप को देखे कभी भी किसी भी बात में कोई कितना भी हमको नीचे गिराए इसलिए एक बारी ब्रिज कोठी में बाबा ने हमारी ब्रिज शांता और रतनमणि तो बहुत बहादुर थी हम सब में रतनमणि में और ब्र शांता बड़ी बहादुर थी बड़ी जैसे जो कोई बहादुरी का काम कराना होता था ना तभी भाई तो थे नहीं दो चार होंगे तो रतनमणि ब्र शांता तो कुश्ती लड़ना सिखाया दोनों लड़ो आपस में वो उनको गुराए वो उनको घुराए वो उनको गुराए वो उनको, उनको दोनों बहादुर इतना वंडरफुल सीन हो गई वो उसको नीचे करे वो उसको इतनी सीन का देखो कितनी बहादुर बचिया है तो माया है तो ऐसे घबरा थोड़ी चाहिए आ, उसको गिरा दो फिर वो कोशिश करेगी तो उसको गिरा दो भिन्न भिन्न प्रकार से कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे आ? पर दोनों बड़ी बहादुर थी आ, और चंद्रमा दादी और कुमार का दादी को कराची में टगवर अभी चंद्रमा दादी बड़ी बहादुर थी और उसके साथ तो ऐसी बहादुर बहुत बहादुर कुमार का दादी बेचारी बाबा ने युक्ति करके कुमार का दादी के पास तरफ चला गया उसकी जीत हो गई वो बिचारी कहे बाबा बाबा बाबा, चंद्रम दादी ऐसे एक सेकंड में आ, कुमार का दादी की दाल नगल ले बाबा ने युक्ति करके उसको जीत लिया जिता लिया ये दिखाया जा बाप जा को सब कुछ है इतना बाबा बाबा को साथ पकड़ के हार जी तमें समय नहीं गंवाना चाहिए पर है तो आया ठीक है कोई बात नहीं बहादुर बनना तो बाबा देखता है कहां तक ये बहादुर अंदर से निश्चय है गुप्त निश्चय है मेरा बाबा मेरा है ना सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ऐसे अंदर से हम भी ठीक रहेंगे सब ठीक रहेगा ऐसा अंदर कुट कुट करके कुट कुट करके निश्चय का बल ऐसा हो तीन बातें एक तो अपनी घोर तो नशा चरे जो ज्ञान मिलता है ना अच्छी तरह से अच्छी तरह से मंथन करके उसका नशा चढ़ता है आ, ऐसे नहीं सुनना और सुना लिया अंदर से एक एक बात एक एक जीव। नशा करनी से होगा धारणा से होगा ऐसे नहीं चढ़ेगा बिना खाए खून बनेगा नहीं खाया हजम नहीं किया तो खून बनेगा नहीं अच्छा खाना खा लिया हजम नहीं हुआ खून बने तो अपनी घोड़ तो नशा चरे दूसरा जो ओटे सो अर्जन, जो ओटे अर्जुन तीसरा है जहा मेरा साथी स्वयं भगवान है तो, तो, ड्रामा प्लान अनुसार भी ड्रामा अनुसार स्वयं भगवान साथी है तो बलवान हो जाते हैं और साखी होकर के प्ले करने में साखी भगवान का साथ मिलता है प्ले करने में बिल्कुल साखी किसी के भी तरफ इधर न उधर यार ऐसा अगर साखीपन की स्थिति नहीं है ना हा, तो साथ का अनुभव बाबा का नहीं होता है सदा साथी। उसको भी मेरे साथ की जरूरत है चंद हो अकेला क्या करेगा भगवान कहा बच्चे नहीं होंगे तो बाबा कौन मुझे कहेगा दुनिया वाले कहते हैं पर रूखा कहते हैं हम बच्चे जो बाबा कहते हैं हमारे बाबा कहने में भक्तों के बाबा कहने में अज्ञान में भी हम नंबर बार देखते है, बाबा हर कैसे कहते हैं किसके दिल से बाबा निकलता है बहुत दिल से नबी निकले पर दिखाई पड़ता है इसके दिल में बाबा है शिवा में बाबा है जैसे ब्रह्मा बाबा अभी बाबा की सुनो बात मैं ब्रह्मा कुछ नहीं करता वर्षा इनको भी उनसे मिलता है। और मुख्य बात अच्छी ये है बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप के वर्षे में बच्चे झगड़ते हैं परमात्मा बाप के वर्षे में झगड़ा नहीं है जो चाहे सो ले वे, जो चाहे फुल वर्षा ले ले वे, कोई झगड़ा नहीं कर सकता अब बाप कहता है जो जो चाहे हर एक ले सकता है तो ऐसी बातें समय अनुसार सब सहज समझने में इजी है सहज है तो करने में भी सहज हो जाए तो कितना अच्छा